जब रोटी सब्जी खा खा के बोर हो जाएं तो बनाएंगे रोटी न्यूडल्स। ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी न्यूडल्स। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से हरे मटर, एक शिमला मिर्च ऐसे लंबी और बारीक कटी हुई, दो टमाटर ऐसे पतले कटे हुए, दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पनीर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, एक मैगी मसाला का पाउच और हमारी रेसिपी का मेन हीरो जो ये रोटी है। इससे हम जो नूडल्स बनाएंगे वो बहुत टेस्टी भी होंगे और हेल्दी भी होंगे। मैंने चार रोटी ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस रोटी के नूडल्स बना लेते हैं। इसको इस तरीके से हमें राउंड करते हुए लपेट लेना है और एक सीजर्स की हेल्प से हमें इस तरीके से इसके नूडल्स काट लेने हैं। आप लेफ़्ट ओवर रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश रोटी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई सब्जी ना हो या रोटी सब्जी अलग अलग बनाने का मन ना हो तो आप इस तरीके से रोटी नूडल्स बनाएं। इसे बच्चे और बड़े सभी खुश होके खा लेते हैं। ये देखिए, हमारी रोटी की नूडल्स रेडी हैं, लंबी लंबी और पतली पतली इस तरीके से काट लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन भी ज़रूर दबाएं। रोटी से बनी हुई नूडल्स हमारी रेडी हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और दो चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और जब हम इसकी नूडल्स रेडी करें तब वो फीकी फीकी ना लगे, इसलिए हम इसमें ऑयल और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे। इसे हम एक प्लेट से या कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम लेंगे दो चम्मच घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, उसे अच्छे से हम भून लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें हम, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए। इसे अच्छे से मिक्स करके भून के हम इसमें दो बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। आप प्याज, टमाटर, सब्जियां अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक आधा चम्मच ही डालें क्योंकि हमने रोटी में भी नमक डाला है। और थोड़े से हम इसमें मटर डाल के इसे स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से सब्जियों को भून लेंगे। इसमें आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। इसे हम दो मिनट के लिए ढककर रख देंगे स्लो फ्लेम पर ताकि सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। दो मिनट बाद देखिए कैसे अच्छे से सब्जियां भी मिक्स हो गई हैं और मसाला जो है ऑयल भी छोड़ने लगा है। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हम। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ पनीर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मसाला ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें एक से दो टेबलस्पून पानी डाल दीजिए ताकि जो ये मसाला है वो ड्राई ना रहे। अभी हमें रोटी भी इसमें डालनी है, नहीं तो रोटी सूखी सूखी लगेगी। मसाला हमारा एकदम रेडी हो गया है, ये देखिए। इसमें हम एक डाल देंगे मैगी मसाला का पाउच, इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत इन्हेंस हो जाती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हम। और जो हमने नूडल्स रेडी की थी ये देखिए, ऑयल और नमक से कितनी सॉफ्ट हो गई हैं ये। इसको हम इसमें डाल देंगे और हल्के हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये रोटी की नूडल्स टूटे ना। इसे आप बेफिक्र होकर बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मैदा नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे एक बार बच्चों को खिला दिया तो आप स्पेशली रोटी बनाकर भी इसे ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए, इसे अब हम इसको एक मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाला और रोटी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारे नूडल्स एकदम रेडी हैं जो टेस्टी भी हैं और एकदम हेल्दी भी हैं। नूडल्स हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे वन पॉट मील भी कह सकते हैं।
क्योंकि हमें सब्जी अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, रोटी सब्जी सब कुछ इसी में आ गया है। इसे हम अब हरे धनिए से गार्निश करेंगे। नूडल्स हमारे एकदम रेडी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।